नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के सदर अस्पताल में सोमवार की रात में मरीज के परिजनों के द्वारा कुछ देर के लिए हंगामा किया गया और फिर तोड़फोड़ की भी घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल पूरा मामला हम आपको बताते हैं। सिवान शहर के आनंद नगर मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद वसीम अचानक घर में गिर गए। घर में गिरने के बाद से बताया जा रहा है कि ब्रेन हैमरेज हुआ और उसके बाद से उनके नाक से ब्लीडिंग होने लगी। आनंद फानंद में मोहल्ले के लोग और उनके परिवार के लोग दौड़े दौड़े सिवान के सदर अस्पताल में मोहम्मद वसीम को लेकर के आए, जहां उपचार के लिए लाया गया। परिवार वालों का कहना है कि यहां पर आने के बाद से डॉक्टर ठीक तरीके से इलाज नहीं किए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। मौत के बाद से परिजनों ने अपना आपा खो दिया और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जो हम आपको एटीएन लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, कि सदर अस्पताल में कैसे तोड़फोड़ की गई। सिवान के सदर अस्पताल की हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कि रात करीब 11 बजे, 10:30 और 11 बजे के बीच की है, जो कि सोमवार का दिन है, यानी कि कल की घटना है। और इस तरीके से जब मोहम्मद वसीम को लाया गया, लोग बता रहे हैं कि उस समय ड्यूटी जो थी वो मुकेश कुमार रंजन डॉक्टर की ड्यूटी थी, और जैसे ही मौत हुई उसके बाद से वो लोग इलाज नहीं किए और उसके बाद से वो लोग छोड़ करके भाग गए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं डॉक्टरों की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में भी डॉक्टर मुकेश कुमार रंजन की ड्यूटी थी। और परिजन भी बता रहे थे, मौत के बाद से परिजन अपना आपा खो दिए, सदर अस्पताल में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए। परिजनों का सीधे तौर पर कहना था कि जब हम लोग मरीज को लेकर के आए तो जिस तरीके से इलाज होना चाहिए डॉक्टर ने नहीं किया और हालत बिगड़ी, उसके बाद से डॉक्टर छोड़कर चले गए, जिसके कारण उनकी सदर अस्पताल में मौत हो गई। बहुत देर के बाद से जैसे ही सूचना नगर थाने के इंस्पेक्टर जयप्रकाश पंडित को मिली, वो पूरे दल बल के साथ सिवान के सदर अस्पताल में पहुँचे। समाजसेवी श्रीनिवास यादव भी वहाँ पर मौजूद थे और किसी तरीके से समझा बुझा करके परिजनों को और बॉडी को उनके हवाले किया गया। तो बिल्कुल एक बार और आप देख सकते हैं कि कैसे सिवान के सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों के द्वारा हंगामा हुआ। हालांकि डॉक्टर, उनका सीधे तौर पर कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई, अगर सही तरीके से इलाज हो जाता तो मोहम्मद वसीम जिंदा होते। आपको बता दें कि मोहम्मद वसीम की एक बेटी थी और उनकी पत्नी वो सदर अस्पताल में आई हुई थी। उनका एक छोटा बेटा जो कि दिल्ली में रहता है, उसको भी जानकारी दे दी गई है, जो कि वहाँ पे अपने घर के लिए आ रहा है। तो आइए सीधे ले चलते हैं और श्रीनिवास यादव बताएंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ था। एटीएन लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार की रिपोर्ट। ये नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर की घटना है। वसीम नामक व्यक्ति हैं जिनका घर ही पर तबीयत खराब हो गया, जिस तरह हार्ट अटैक कर गया, उसके बाद से परिजन ने उनको लाना आनंद फानंद में लाए सदर अस्पताल में, जहां डॉक्टर ने देखकर मृत घोषित कर दिया। बाकी परिजन को समझ में नहीं आया कि हमारे गार्जियन का मृत्यु हुआ है, बाकी डॉक्टर समझ गया इनका मृत्यु हो गया, तो उन्होंने हट कर अपना विचार दिया। उसके बाद से थोड़ा मैंने नासमझी में आक्रोश हो गया। उसके बाद से नगर थाना के इंस्पेक्टर जयप्रकाश पंडित जी आए थे, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, घर के परिजन को बात विचार करके शांत करा के डेड बॉडी को घर उनको भेजवाने का काम किया गया है। और इस तरह का कोई बड़ा इस तरह का घटना नहीं घटा है जिसके चलते अफरा तफरी मचा है। होता है इस तरह की, अक्सर घटना में देखा जाता है कि कभी आदमी की घटना घट जाती है और परिजन को नहीं समझ में आता है, जिसके चलते बोला चाली हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग शांत करा के परिजन को भिजवाने का काम किए कर रहे हैं। और हम लोग अपील करते हैं कि तमाम सिवान आसियों से कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना पेशेंट लाते हैं तो अगर डॉक्टर भी सलाह देते हैं, राय देते हैं, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। और जो डॉक्टर ड्यूटी में है, जो व्यक्ति ड्यूटी में है, उनकी भी समझदारी होनी चाहिए, उतनी भी बुद्धि विवेक होना चाहिए कि कोई भी पेशेंट आए, कितना इमरजेंसी है उसके अनुसार पहले उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि पर्ची के लिए दूर भगवान है, पहले यही पर्ची के लिए पीछे जाया जाता था, तो उसको बार बार लड़ाई करके हम लोग सामने लाया। सामने लाने में हो सकता है कि पर्ची बनाने में एक दो मिनट लेट हो सकता है, कि वैसी पीरियड में प्रथम उपचार तो आप मौखिक रूप से कर सकते हैं, सादा पाना पर कर सकते हैं, तो हल्का जो रखा जाता है टेबल टाइप के, उसको धक्का धुकी में गिर गया था, और कोई विशेष बात नहीं है। डॉक्टर लोग भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि छोड़ करके भाग गए थे। अब थोड़ा हल्ला गुली होता है तो हर इंसान डर जाता है, वैसा कोई खास बात नहीं है,
दोनों पक्ष की समझा बुझा के अब इमरजेंसी चालू हो गया है, ये लोग भी अपना डेड बॉडी ले जा रहे हैं, उस तरह का कोई बड़ा के लिए इमरजेंसी। अब हम लोग के आने के पहले तो थोड़ा डिस्टर्ब था, स्वाभाविक है डिस्टर्ब हो जाएगा, परिजन अब सामान्य रूप से चल रहा है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सीवान जिला के लोगों से अपील करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना पेशेंट लाए तो डॉक्टर का राय विमर्श मान लें, और जो पेशेंट के गार्जियन भी आते हैं तो वो भी कहते हैं तो उसको भी मानना चाहिए, वो भी स्टाफ को इस पर गहन विचार करना चाहिए कि ताकि दोनों व्यक्ति का कभी मतभेद ना हो कि इस तरह की परिस्थिति पैदा हो सके। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर, firstcry.com, बिगेस्ट स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड, सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैंपर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com, बिगेस्ट स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटी, छपरा रोड, सिवान। डेफोडिल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल CBSE करिकुलम, मिशन कंपाउंड, महादेवा, सिवान। ऑन द ओकेजन ऑफ 30 एनिवर्सरी, फ्री एडमिशन, नर्सरी टू 8th एंड किड्स टू प्री नर्सरी, स्पेशल अटेंशन और इंग्लिश, साइंस एंड मैथ, 5 days a week computer classes, green and peaceful hours surrounding, dance and karate classes for all-round development. Registration open for 2023-24. Hurry up for admission. Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahadeva, Sivan. Helpline number 9631724798. अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। BNP Max Memorial मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि MBBS MS ऑर्थो है, डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ है। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903।